Subscribe to Easy Engineering Studies and click the bell icon to receive the latest update on all videos. Hello friends, welcome back to another video. ये वीडियो से हम नया टॉपिक शुरू करेंगे जो है सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। तो इसमें हम टोटल 5 टाइप्स के शेड्यूलिंग देखेंगे हम। वो है FCFS, SGF, SRTF, प्रायोरिटी और RR शेड्यूलिंग, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे FCFS। तो पहले हम कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं जो हमें क्वेश्चन में टर्म्स आने वाली है। तो सबसे पहले है अराइवल टाइम। द टाइम व्हेन द प्रोसेस इज अराइविंग इनटू रेडी स्टेट इज कॉल्ड एज द अराइवल टाइम, एंड हमें जो यहाँ पे टाइम दिया है वो है अराइवल टाइम। और नेक्स्ट है फिर बस टाइम। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस टू एग्जीक्यूट इज कॉल्ड अ बस टाइम और सीपीयू टाइम। तो क्वेश्चन में हमें ये जो पोर्शन दिया है वो है बस टाइम एंड सीपीयू टाइम। और नेक्स्ट है फिर कंप्लीशन टाइम। द टाइम व्हेन द प्रोसेस कंप्लीट इज एग्जीक्यूशन इज कॉल्ड अ कंप्लीशन टाइम। और फिर नेक्स्ट है टर्न अराउंड टाइम। द टाइम डिफरेंस बिटवीन कंप्लीशन एंड अराइवल टाइम इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड टाइम। और हमें ये दोनों भी चीजें फिर हमें FCFS में भी हमें सॉल्व करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे FCFS। देखिए हमें क्वेश्चन में हमें इस तरह का टेबल दिया हुआ रहता है जिसमें हमें प्रोसेसेस और उसका अराइवल टाइम और बस टाइम दिया हुआ रहेगा। तो इसमें आपको जो क्राइटेरिया यूज करना है वो है अराइवल टाइम, और इसका मोड जो रहेगा हमेशा नॉन प्रीएम्प्टिव रहेगा। और इसमें आपको हमेशा याद रखिए FCFS में आपको हमेशा देखना है अराइवल टाइम, और इसमें मोड दिया है नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीम्ड का मतलब ऐसी है कि अगर कोई आप प्रोसेस सीपीयू में शेड्यूल करते हो, जब तक कि उसका पूरा कंप्लीशन नहीं हो जाता एग्जीक्यूशन का, तब तक क्या वो प्रोसेस को रिमूव नहीं कर सकते, यानी उसको आप उससे कहते फिर आप नॉन प्रीएम्प्टिव। और फिर देखिए अब इसके बाद फिर सबसे पहले हमें बनाना है गैंट चार्ट। तो गैंट चार्ट जो है हमेशा स्टार्ट करना है वो है जीरो से, और फिर हम देखेंगे कि कौन सी प्रोसेस अराइवल टाइम जीरो पे अराइव होती है। तो वो है प्रोसेस P1। तो यहाँ पे आप लिखोगे प्रोसेस P1, और उसका फिर कंप्लीशन टाइम दिया है ना बस टाइम, वो है 4। तो यहाँ पे फिर आप लिखोगे यहाँ पे 4, और फिर हमें देखना है कि नेक्स्ट प्रोसेस कौन सी अराइव करती है। तो आप FCFS में हमेशा आपको देखना है अराइवल टाइम। एंड सपोज कीजिए कि जब भी हम जीरो से शुरू करते हैं तो हमारे पास केवल एक ही प्रोसेस रहती है, वो है P1। पर अभी हमारे पास पूल में करीब 4 प्रोसेस है टोटल, जो है P2, P3, P4, P5। और इसमें आपको जो क्राइटेरिया जो यूज़ करना है वो है अराइवल टाइम, यानी सबसे कम जिसका अराइवल टाइम रहेगा वो प्रोसेस को आप नेक्स्ट शेड्यूल करोगे इसमें। तो कभी कभी हो सकता है कि आपको यहाँ पे अराइवल टाइम सेम आ जाए, जैसे कि समझ के चलिए P2 का 1 है और P3 भी 1 है, तो फिर आपको देखना है प्रोसेस उसमें सबसे कम नंबर जिसका रहेगा प्रोसेस का, वो प्रोसेस आप सबसे पहले शेड्यूल करोगे। पर देखिए अभी ये केस में इसका अराइवल टाइम है P2 का 1, एंड आपको नेक्स्ट प्रोसेस जो शेड्यूल करनी है वो है प्रोसेस P2। तो यहाँ पे आप एंटर करोगे प्रोसेस P2, और उसका फिर बस टाइम दिया यानी कंप्लीशन टाइम है 3 यूनिट, यानी आपको ऐड करना है 4 + 3, तो यहाँ पे हो जाएगा फिर 7। नेक्स्ट प्रोसेस जो आपको पिक करनी है वो है P3, जिसका अराइवल टाइम है 2, तो यहाँ पे आप एंटर करोगे P3, और उसका बस टाइम दिया है 1, यानी आपको ऐड करना है 7 + 1, तो ये हो जाएगा फिर 8। और फिर नेक्स्ट प्रोसेस जो पिक करना है वो है P4, और उसका अराइवल टाइम है 3, तो यहाँ पे आप एंटर करोगे P4, और फिर आपका बस टाइम दिया है 2, तो ये हो जाएगा फिर 8 + 2 = 10। और नेक्स्ट प्रोसेस आपको पिक करना है वो है P5, तो यहाँ पे आप एंटर करोगे P5, और उसका बस टाइम दिया है हमें 5, तो हमें 10 + 5 करना है, फिर हो जाएगा यहाँ पे 15। और इसके बाद आपको फाइंड करना है वेटिंग टाइम। आपको ये गैंट चार्ट के नीचे की सारी वैल्यू आपको यूज करनी है, और इसमें से आपको माइनस करना है अराइवल टाइम। तो सबसे पहले आएगी प्रोसेस P1, तो यहाँ पे है 0 और उसका अराइवल टाइम है 0, तो यहाँ पे आप करोगे 0 - 0, तो ये हो जाएगा फिर 0 मिलीसेकंड। और नेक्स्ट प्रोसेस है P2, तो यहाँ पे है 4 और उसका अराइवल टाइम है 1, तो आप करोगे फिर 4 - 1, तो ये हो जाएगा फिर 3 मिलीसेकंड। और नेक्स्ट है प्रोसेस P3, तो यहाँ पे है 7 और आपको माइनस करना है अराइवल टाइम -2, यानी आपको P3 का अराइवल टाइम यूज़ करना है, तो ये हो जाएगा फिर यहाँ पे 7 - 2 = हो जाएगा ये 5 मिलीसेकंड। और नेक्स्ट प्रोसेस है P4, तो यहाँ पे लिखोगे आप P4, और फिर नेक्स्ट है 8 और आपको माइनस करना है अराइवल टाइम -3, तो ये हो जाएगा फिर 8 - 3 = 5 मिलीसेकंड। और नेक्स्ट प्रोसेस है P5, तो यहाँ पे है 10 और आप माइनस करोगे अराइवल टाइम -4, तो ये होगा फिर 10 - 4 = 6 मिलीसेकंड। फिर आपको निकालना है टोटल वेटिंग टाइम, जो कि है यहाँ पे आपको फिर सारे ऐड कर देना है, तो ये हो जाएगा इक्विवेलेंट टू 19 मिलीसेकंड। और फिर आपको निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम।
और इसके लिए आपको करना ही है टोटल वेटिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ प्रोसेसेस, तो यहाँ पे है टोटल 5, तो यहाँ लिखोगे फिर आप 19 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो जाएगा इक्वल टू 3.8 मिली सेकेंड। और नेक्स्ट फिर हम देखेंगे टर्न अराउंड टाइम। टर्न अराउंड टाइम आपको तभी सॉल्व करना है अगर क्वेश्चन में अगर दिया है कि फाइंड एवरेज वेटिंग टाइम एंड टर्न अराउंड टाइम, तभी आप फिर टर्न अराउंड टाइम निकालिए, नहीं तो फिर आपको सिर्फ निकालना है एवरेज वेटिंग टाइम। तो हमें सेम इस तरह से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले आएगी प्रोसेस P1। अब देखिए इसके लिए आपको हमेशा गैंट चार्ट में आपको प्रोसेस की कंप्लीशन टाइम देखना है, जैसे कि यहाँ पे है 4 और उसमें से फिर आपको माइनस करना है अराइवल टाइम। तो सबसे पहले देखिए P1 का कंप्लीशन टाइम है 4, तो यहाँ पे लिखोगे आप फिर 4, तो P1 का अराइवल टाइम है 0, तो यहाँ पे लिखोगे फिर आप 0, तो ये हो जाएगा फिर 4 मिली सेकेंड। और नेक्स्ट प्रोसेस है P2, और P2 का कंप्लीशन टाइम है 7 और उसमें से माइनस करोगे अराइवल टाइम जो है 1, तो यहाँ पे लिखोगे फिर आप 7 माइनस 1, तो ये हो जाएगा फिर 6 मिली सेकेंड। और नेक्स्ट प्रोसेस है P3 और इसका कंप्लीशन टाइम है 8 और अराइवल टाइम है 2, तो यहाँ पे आप करोगे आप 8 माइनस 2 इक्वल टू 6 मिली सेकेंड। और नेक्स्ट प्रोसेस है P4 और इसका कंप्लीशन टाइम है 10 और अराइवल टाइम है 3, तो आप माइनस करोगे 10 माइनस 3, ये हो जाएगा फिर 7 मिली सेकेंड। और लास्ट प्रोसेस है P5 और इसका कंप्लीशन टाइम है 15 और अराइवल टाइम था 4, तो यहाँ पे करोगे आप -15 -4, ये हो जाएगा इक्वल टू 11 मिली सेकेंड। फिर आपको फाइंड करना है टोटल टर्न अराउंड टाइम, तो आपको ये सारी ऐड कर देनी है वैल्यू, तो ये हो जाएगा फिर 34 मिली सेकेंड। और इसके बाद आपको फाइंड करना है एवरेज टर्न अराउंड टाइम, तो आपको यूज़ करना है टोटल टर्न अराउंड टाइम जो कि है 34 और आपको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो कि है 5, तो ये हो जाएगा फिर यहाँ पे 5, तो ये होगा इक्वल टू 6.8 मिली सेकंड। तो आपको FCFS के एग्जांपल आपको इस तरह से सॉल्व करने हैं। ये टॉपिक की हम आने वाली वीडियोस में हम और भी एग्जांपल देखेंगे, तो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। सो फ्रेंड्स, ये एग्जांपल ये खत्म होता है, इसके बाद मैं और भी एग्जांपल्स बताऊंगा, सो आप मेरा चैनल चेक करते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए अगर आपको पसंद आता है तो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।